वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले दिन या फिर पिछले वीडियो में बताया था कि आप क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी वेबसाइट, कैसे वर्क करता है और कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट और हम सीखेंगे वन बाय वन हर एक चीज़। दोस्तों, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ले जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, जिसका नाम है VS कोड। अब ये VS कोड मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ये क्या IDE है, और IDE क्या होता है कि एक आपको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप सारे कोड को लिख सकें, एज सिंपल एज दैट। अब सबसे पहले ही देखिए, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ का हम स्टेबल बिल्ड को डाउनलोड कर लेते हैं, और थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, VS कोड आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, हम सेव कर लेंगे इसको और यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी डाउनलोड हो जाएगा। इसको जल्दी से होने देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो फटाफट हम इसको फोल्डर में ओपन करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने पीसी पे। डबल क्लिक करेंगे हम इस पर VS कोड यूजर सेटअप पे, और ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। ये आपके कंप्यूटर के परफॉर्मेंस एंड इसके सिस्टम स्पेक्स पे डिपेंड करेगा कि ये चीज़ कितना टाइम ले लेता है। दोस्तों, ये आपको पॉपअप मिलेगा, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आपको बस करना है नेक्स्ट करना है, और ये सारे आपको पाथ को टिक कर देना है। ये टिक होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है, और जब भी इंस्टॉल करें VS कोड तो ये सारे पाथ्स को ऑलमोस्ट अब टिक करके ही रखें, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो उसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो सिस्टम है ये इंस्टॉल, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, मैंने आपको इंस्टॉल करा दिया है ये विजुअल स्टूडियो कोड। अब क्या करेंगे, अब हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, एक फोल्डर नाम क्रिएट करेंगे वेब डेवलपमेंट करके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम। और देखिए, जैसे मैंने फोल्डर पर क्लिक किया एंड राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपन विद कोड का ऑप्शन, जो VS कोड का सिंबल आप देखे थे, तो उसी पे हम क्लिक कर देंगे। तो वो थोड़ा टाइम लेगा, अपने आपके कंप्यूटर स्पेक्स पे डिपेंड करेगा ये चीज़, इट विल टेक सम टाइम। अब इसके बाद आपको जैसा है आई ट्रस्ट द ऑथर एंड द फाइल डायरेक्टरीज एंड जस्ट आई ट्रस्ट द ऑथर पे क्लिक कर देना है और हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं हमारा VS कोड ओपन हो चुका है, और इसी में हम अपना मेन वेबसाइट को कोड करेंगे जिसमें हम सारे कोड्स को लिखेंगे। दोस्तों, तो आपको बताता हूं एक फीचर इस VS कोड का। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये साइन दिख रहा है और ये साइन दिख रहा है, ये दोनों बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ exam.html, ठीक है, ऐसे ही कोई नाम दे दिया है। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम के बजाय कोई भी नाम लिख करके .html एक्सटेंशन डालना ज़रूरी है, तभी आप बता पाएंगे कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक HTML साइट बना रहा हूँ, यानी एक वेबसाइट को क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए, यही चीज़ अगर मैं नोट पैड पर टाइप करता, इस चीज़ को मैं चाहूँ वेबसाइट को क्रिएट करना चाहूँ, तो नोट पैड पर भी ईजिली टाइप कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जैसे ही मैं आपका शिफ्ट एंड ये एक्सक्लेमेशन मार्क को इस्तेमाल करूँगा, और एक एमिट एब्रिविएशन जैसा आपको दिख रहा होगा आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक मेरे को एक टेम्पलेट मिल गया, यानी ये कुछ कुछ लिखा मिल गया है। तो दोस्तों, यही है हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर कि हम HTML का बेसिक कोड, अब इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एग्ज़ाम, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ, ये आपकी मर्जी पे टाइटल डिपेंड करेगा। इसको हम लोग सीखेंगे कुछ देर में, इस वाले ये हर चीज़ क्या होती है। अब दोस्तों, मैंने इसको इंस्टॉल इसलिए करवाया, जैसे आप यहाँ पे डिव लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पूरा ये मेरे को पूरा एक बार में डिव में लिखते ही मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर मैं यही चीज़ नोटपैड में करता तो मुझको बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता। ये सिर्फ डिव के साथ ही नहीं है, और भी जो बहुत सारे HTML के टैग्स होते हैं, बेसिकली एक HTML अपने टैग्स पे वर्क करता है। और अगर आपको बचना चाहते हैं मेहनत से कि मैं बहुत सारा नहीं लिखना चाहता हूँ, छोटे में लिखूंगा और मेरा पूरा लिख जाए, तो इस टाइप की कंडीशन में VS कोड को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। या VS कोड क्या, आप कोई भी IDE को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कराऊंगा, सबसे धमाल एक्सटेंशन है वो पूरे के पूरे VS कोड का। अब इसका नाम है लाइव सर्वर करके एक एक्सटेंशन होता है,
जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे देख लीजिए यार लोकल सर्वर विद लाइव ये छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पर करना आपको स्टार्ट पेज बटन पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका फायदा क्या होता है आपके एक HTML वेबसाइट में इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का। अब बात कर लेंगे एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन कुछ नहीं है, जो आपके जैसे आप ऐप स्टोर देखते हैं उसमें आप ऐप डाउनलोड करते हैं उसी तरह इसके लिए आप और ऐप कुछ पर्टिकुलर काम करता है तो उसी तरह हम इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं कुछ पर्टिकुलर काम करने के लिए। बता देता हूँ लाइव सर्वर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं कोई भी वेबसाइट का शुरू करते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड ज़रूर लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ जब आप यहाँ पे ब्लैंक जगह पे ओपन राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपको एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर का, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और ये तभी ऑप्शन आएगा जब आप लाइव सर्वर का एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए दोस्तों हमारा वेबसाइट रेडी हो चुका है, क्या बोलेंगे क्या। हाँ दोस्तों यही है हमारा एक सिंपलेस्ट वेबसाइट जो आपने वेबसाइट बना चुके हैं हम लोग, और इसी चीज़ को हम धीरे धीरे और मॉडिफाई करेंगे जैसे जैसे हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। नाउ यह हेलो वर्ल्ड जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का सिर्फ यही फायदा नहीं है कि आप ओपन वेब लाइव सर्वर करके खुल जाएगा, सब मेन इसका इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा, हेलो वेब कोडर करके लिख दिया तो यहाँ पे देखिए मैं बिना रिफ्रेश किए, मैंने रिफ्रेश नहीं किया यहाँ पे बटन क्लिक नहीं किया क्योंकि अगर मेरे को रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, और जब बिना रिफ्रेश किए मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक वेब कोडर लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड के बदले। यही इसका फायदा है कि जैसे ही मैं अपने यहाँ पे कोड पे चेंज करूँगा तो बिना मुझे कुछ किए अपने ब्राउजर पे ऑटोमेटिक जैसे मैं खोलूँगा वैसे ही मुझको जो भी मैं इसमें अपडेट करूँगा उसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो लाइव सर्वर का एक सबसे बड़ा यूज़ होता है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर की इसकी बात करते हैं कि VS Code कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे एक्सप्लोरर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट करके जो फोल्डर का नाम आपको लिखा आएगा यहाँ पे जो फोल्डर का नाम बनाए हुए होंगे और इसके अंदर आपके सारे के सारे फाइल्स होंगे। यही चीज़ मैं चाहूँ तो index.js फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ index.css ठीक है, ये तीनों लैंग्वेज को मैं लिख करके एक्सटेंशन लगा के कर सकता हूँ। बट अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, सारे हमारे फाइल्स हैं यहाँ पे। चाहे यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम करके एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, आप फोल्डर के अंदर जो चाहे आपको ये इंडेक्स डॉट फिर HTML में बना सकता हूँ एक और जो इस एग्जाम फोल्डर के अंदर यानी इस वेब डेवलपमेंट के अंदर एक एग्जाम फोल्डर है, इस एग्जाम फोल्डर के अंदर एक और इंडेक्स और HTML नामक फोल्डर है, यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हैं यानी रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। अब बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML यानी डॉक्यूमेंट का जो टाइप है ये बताया बता क्या रहा है वो बता रहा हूँ आपको। डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML, बेशक हम HTML वेबसाइट लिख रहे हैं। HTML लैंग्वेज क्या होगा यानी हम जो लिख रहे हैं ये सब ये कौन से लैंग्वेज में लिखेंगे, अरेबिक नहीं, हम इसको EN में लिखेंगे। EN का मतलब होता है यहाँ पे हमारा इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे हम ठीक है, यहाँ पे हम इस चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। अब यहाँ पे हेड पे बात कर लेते हैं। हेड टैग के अंदर हमारे सारे मेटा टाइटल्स टैग्स आते हैं। अब टाइटल का मतलब है यहाँ पे आप जो करेंगे यहाँ पे जब वेबसाइट में देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रहा है, ये टाइटल के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेटा टैग्स का कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा कैरेक्टर्स टेक्स्ट सेट में हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सा कोडिंग इनकोडिंग को इस्तेमाल करेंगे और भी बहुत कुछ, तो इसको हमें भी छोड़ देते हैं, हम जैसे जैसे करेंगे इसमें आपको और इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है बॉडी, बॉडी के अंदर आप जो लिखेंगे वही चीज़ आपको अपने वेबसाइट पे जहाँ पे भी लिखेंगे वो शो होगी। आप कहीं और अगर ऊपर लिखते हैं तो ये शो नहीं होगा और ये सही तरीका भी नहीं है। और उसके बाद एक HTML टैग करके हम HTML के फाइनल बॉडी को क्लोज कर देते हैं, जैसे हमने अब इस HTML को स्टार्ट किया था वैसे क्लोज करना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी HTML को अगर आप सीख रहे हैं तो आप ये रिमेंबर एक पॉइंट को ध्यान में रखिए कि अगर कोई टैग खुलता है इस तरह खुलता है कोई टैग ठीक है, और अगर और ये ज़रूरी है कि ये बंद टैग होना जरूर बंद होना ज़रूरी है। कुछ होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स बट उसके बारे में हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वीडियो के आगे में सीरीज़ में वैसे वैसे आपको मालूम चलते रहेगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको लग रहा है कि ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है बहुत ज़्यादा ही
छोटा है या फिर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो मैं आपको एक चीज़ सेटिंग में लेके जाता हूँ, ये सेटिंग मैनेज में देख रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस जो भी है, उसके बाद आप यहाँ पे जूम सर्च करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जूम द फॉन्ट एडिटर बाय यूजिंग द माउस कंट्रोल व्हील, टिक मारेंगे यहाँ पे। तो फिर अगर आप क्या होगा कि जैसे कंट्रोल एंड आपका जो माउस का व्हील है उसको क्लिक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो छोटा बड़ा होने लगेगा ईजिली। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छी फंक्शनैलिटी है वीएस कोड की। दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और कुछ डिटेल में सीखेंगे, कुछ टैग्स के बारे में सीखेंगे HTML के, कि उस चीज़ को वेबसाइट डेवलपमेंट में कैसे इन प्रैक्टिकल यूज़ में लाना है। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ।